गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू योर जीके क्लास एंड स्टूडेंट्स. टुडे आई एम कवरिंग द पेज नंबर 96 ऑफ योर जीके बुक. द नेम ऑफ द पेज इज मिथ्स एंड लीजेंड्स. एग्जैक्टली इन दिस पेज वी हैव लर्न टू अबाउट सम मिथ्स. मिथ्स मीन्स कि कुछ ऐसी बातें जो हमें दे आर नॉट मैंशन इन एनी वेयर और ऐसे किसी वेदास या उपनिषद में मेंशन नहीं है, बट इन दैट इज़ ओनली इन आर पुराण्स और पुरानिक कथाओं में हैं. मीन्स हमारी जो स्टोरीज हैं उसमें हमें हर्ड करते हैं, सुनते हैं, बट एग्जैक्टली वो हमारे पास किसी भी वेद में या उपनिषद में, हमारे जो होली बुक्स हैं, इसमें मेंशन नहीं है. ठीक है, तो लेट अस रीड अबाउट सम मिथ्स एंड लीजेंड्स. कुछ फैक्ट्स जो हैं हमारे सोसाइटी में हैं, जो हम जानते हैं. ठीक है, चलिए. द बिलीफ अबाउट मिथ्स एंड लीजेंड्स इज ओनली पौराणिक. क्या है वो? पौराणिक हैं, पुरानी उसमें लिखी हुई हैं, कहीं कथाओं में हमें सुनने को मिलती हैं. बट डीज नॉट फाइंड अ मेंशन इन वेदास और उपनिषद. और हमारे जो वेद हैं, एज यू ऑल नो दैट वी हैव फोर वेदास, दैट इज़ अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड ऋग्वेद. ठीक है, हमारे चार वेदास हैं, बहुत सारे उपनिषद हैं, बट उसमें ये बातें मेंशन नहीं है. रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड देन द करेक्ट आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे. द फर्स्ट वन, नेम द फर्स्ट अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु फ्रॉम हिज दश अवतार. एज अकॉर्डिंग टू मिथ्स हम ये मानते हैं कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए. ठीक है, उन 10 अवतारों में से पहला अवतार कौन सा है? हाँ, फर्स्ट अवतार जो है वो भगवान विष्णु का कौन सा है? किस उसको हम किस नाम से जानते हैं? भगवान विष्णु के इस अवतार को हम किस नेम से जानते हैं? ठीक है, तो द आंसर इज मत्स्य. मत्स्य, MATSYA, मत्स्य अवतार, मछली के रूप में उन्होंने अवतार लिया था. ठीक है, सेकंड, इन हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग हु ब्राउट द रिवर गॉडेस गंगा टू अर्थ फ्रॉम हेवंस. मैथोलॉजी मतलब हिंदू मान्यताओं के अकॉर्डिंग जो गंगा है वो गॉडेस गंगा, रिवर गॉडेस गंगा, भगवान गंगा नदी, जो माँ गंगा नदी है हमारी, उसको अर्थ पर स्वर्ग से कौन लेकर आया था? तो अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैथोलॉजी इट वॉज भाग्यरथ था संत जो लेकर आया था, जिसके नाम पर हम गंगा का दूसरा पर्यायवाची भाग्यरथी भी है. ठीक है, तो भाग्यरथ था. ठीक है, नेक्स्ट, नेम द फेमिनी फॉर्म ए लॉर्ड विष्णु हु हेल्प्ड देवास टू रिटेन देयर इमॉर्टेलिटी. अब हम मानते हैं कि उस फेमाइन अवतार के बारे में लॉर्ड विष्णु के लिखना है जिसने हेल्प की देवों की टू रिटेन देयर इमॉर्टेलिटी, अपनी अमरता को पाने के लिए, अमरतत्व को पाने के लिए देवताओं की हेल्प भगवान विष्णु की किस फेमाइन अवतार ने की, किस फीमेल अवतार ने की? ठीक है, तो वो अवतार है मोहिनी. ठीक है, जो हम ऐसा मानते हैं कि मोहिनी का रूप धारण करके उन्होंने देवताओं को और जो असुर थे उन दोनों को रिझाया और उनसे जो अमृत का घड़ा था वो छीन कर ले गए थे भगवान विष्णु और देवताओं को जाकर पिला दिया था, ऐसी एक मिथ है, स्टोरी है. ठीक है, तो वो अवतार जो था वो मोहिनी अवतार था. ठीक है, चलिए, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, नेम द वाहनास व्हीकल्स. वाहन हम कहते हैं ना देवता का, जैसे ये मानते हैं कि जो चूहा है वो गणेश का वाहन है, मुश्क जिसे हम कहते हैं, मूषक जो है वो गणेश, भगवान गणेश का वाहन है. तो ऐसे ही वाहन इंद्र और विष्णु, इंद्र का और विष्णु का वाहन कौन से हैं, वो किस वाहन का यूज़ करके आते हैं? ठीक है, तो
तो इंद्र का जो वाहन है वो एरावत हाथी है, जिसका नाम है इरावत, IRAWAT, इरावत। एंड भगवान विष्णु के वाहन जो हैं वो हम गरुड़ पक्षी को मानते हैं, गरुड़, GARUDA, गरुड़। ठीक है, इन हिंदू मैथोलॉजी शी इज़ द वाइफ ऑफ क्रिएटर ब्रह्मा। हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग ब्रह्मा की वाइफ कौन है? रचयिता ब्रह्मा। ब्रह्मा को हम मानते हैं कि वो इस सृष्टि के रचयिता हैं, तो उन जो रचयिता हैं, क्रिएटर जो हैं ब्रह्मा, उनकी वाइफ हम किसे मानते हैं? सरस्वती। किसे मानते हैं? सरस्वती को, सरस्वती माता, सरस्वती को ब्रह्मा की वाइफ माना जाता है। चलिए, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। दिस इनकारनेशन ऑफ विष्णु ट्रावर्स द होल ऑफ द यूनिवर्स इन 3 स्टेप्स। किसने, भगवान विष्णु के किस अवतार ने पूरे ब्रह्मांड को 3 स्टेप्स में, 3 कदमों में नाप दिया था, पूरा कहते हैं कि काउंट कर लिया था? तो वो जो अवतार था भगवान विष्णु का, वामन अवतार। बच्चे, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हम मानते हैं। ठीक है, तो पहला अवतार मत्स्य का था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मोहिनी अवतार भी लिया, उसके बाद उन्होंने वामन का अवतार भी लिया, वामन अवतार, जिसमें पूरी बलि, राजा बलि की परीक्षा के लिए लिया था, ये वामन अवतार। ठीक है, स्टोरीज हैं ये, मैथोलॉजीज में है, बट एग्जैक्टली हमारे पुराण और वेदों में ये मेंशन नहीं है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। ठीक है, चलिए, राधा इज बिलीव टू बी एन इनकारनेशन ऑफ दिस गॉडेस। राधा किस का अवतार मानी जाती हैं? तो वो लक्ष्मी का अवतार मानी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इन हिंदू मैथोलॉजी गॉडेस छाया इज सेड टू हैव गिवन बर्थ टू दिस प्लेनेट। छाया ने हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग इस ग्रह को जन्म दिया। छाया, छाया किसकी माता थी? छाया शनि की, शनि ग्रह की माता मानी जाती है, सैटर्न की माता मानी जाती है छाया। ठीक है, चलिए, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी, हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग, हिंदू मान्यताओं के अकॉर्डिंग, ही और शी इन्वेंटेड द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वीणा। वीणा किसने इन्वेंट की? हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग वीणा हम बजाते हैं, अब ये इंस्ट्रूमेंट है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। किसने इन्वेंट किया, किसने बनाया? नारद मुनि ने, माना जाता है कि नारद मुनि ने इसको इन्वेंट किया। ठीक है, नेक्स्ट। ही इज़ वन ऑफ द सन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा एंड हु रिसाइड द इन द नॉर्थ वेस्ट। ब्रह्मा के बेटे हैं और नॉर्थ, उत्तर पश्चिम दिशा में वो रहते हैं, जिसे हम कहते हैं दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति। ओके, तो दिस इज़ अबाउट योर मिथ्स एंड लीजेंड्स। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट पेज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।